दक्षिण कश्मीर के जैनपुरा शोपिया में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद इलाके में भड़के हिंसा में तीन लोगों के जख्मी होने की सूचना मिली। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने जैनपुरा समेत शोपिया के सभी संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू करने के साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी पूरी तरह से बाधित कर दिया। यहां मिली जानकारी के मुताबिक जैनपुरा इलाके में लश्कर और साथ ही हिजब के आतंकियों के बीच तथाकथित बैठक की खबर मिलते ही सेना की 44 आरआर और साथ ही राज्य पुलिस विशेष अभियान दल और साथ ही सीआरपीएफ के एक संयुक्त कार्यदल ने एक तलाशी अभियान चलाया। संबंधित सूत्रों ने बताया कि पुलिस को पता चला था कि सहरी के दौरान आतंकी एक जगह जमा होकर किसी बड़ी साजिश को अंतिम रूप देने वाले हैं और इसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सेना का तलाशी अभियान लगातार जारी। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें दो आतंकी मारे जाने की सूचना मिली है। वहीं लगातार सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। हिजबुल और लश्कर के कमांडर को घेरा और साथ इसी दौरान दो आतंकियों के मारे जाने की सूचना भी मिली है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। सेना ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। हिजबुल और लश्कर के कमांडर को घेर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।